नमस्कार, मैं अभिषेक राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई की जो वैकेंसी है रेलवे में, 1,00,000 पोस्ट है लेवल 1 का, उसमें जो क्वालिफिकेशन में चेंज कर दिया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वालिफिकेशन में चेंज मतलब इसको ऑप्शनल में रखा गया है, आईटीआई कंपलसरी नहीं है, वहां पे मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ये सरासर गलत है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले बता दें कि अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं तो वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां 9,000 बच्चे होने वाले हैं जहां आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर पता चल सकता है, तो वहां ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप आईटीआई किए हैं, आपको लगता है कि आपके हक के खिलाफ ये काम हो रहा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ट्विटर पे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का जो अकाउंट है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस अकाउंट पे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, या अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप शेयर कीजिए, जिससे ये मैसेज सबको पता चले कि ये आईटीआई के साथ अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भारतीय रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया था पिछले 2018 में, जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, तो उसमें भी आईटीआई कंपलसरी था, क्योंकि ग्रुप डी में कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे टेक्निकल स्किल्ड पर्सन को जरूरत होती है। और रेलवे ने जब ये जारी किया था तो बहुत सारे इंडिया में बहुत हंगामा हुआ था, इसके बाद उसको हटा दिया गया था, लेकिन उसमें बोला गया था कि ये सिर्फ इसी वैकेंसी के लिए हटाया जा रहा है, अगले वैकेंसी जो आएगी उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा। इसके लिए बकायदा गुवाहाटी बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया था, लेकिन जब 2019 में लेवल 1 का वैकेंसी 1,00,000 पोस्ट जारी किया गया रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के लिए, जहां पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आईटीआई पास स्किल्ड युवा को रखा जाएगा, वहां पे ये क्वालिफिकेशन दिखाया गया था कि आईटीआई पास वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इसका फैसला को रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने बदल दिया। और इस तरह का फैसला सरासर निंदनीय है, क्योंकि जहां जैसे कि रेलवे बताया था कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आईटीआई करने वालों को मौका दिया जाएगा, स्किल्ड लोगों को रखा जाएगा, ये फैसला जब आया था, इसके बाद पीयूष गोयल ने पिछले ही दिनों ने इस फैसले को बदल दिया, और उन्होंने बताया कि अब यहाँ पे मैट्रिक पास और आईटीआई पास दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली ये बात है कि एक लड़का 2 साल आईटीआई करता है, 1 साल आईटीआई करता है, 50 से लेकर 1,000, 1,00,000 तक रुपए लगते हैं, और उसका एक मेहनत अलग से, इसके बाद उसको आईटीआई का सर्टिफिकेट मिलता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम पास करता है, इसके बाद वो आईटीआई करता है, फिर कैसे एक आईटीआई वाले को 10वें के साथ मैच कर दिया गया, 10वें के बराबर ला दिया गया, कैसे, जबकि 10वें करने के बाद ही आईटीआई करना पड़ता है, और उस क्वालिफिकेशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, उसको एक तरह से अलग हटा दिया गया, मतलब आईटीआई करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं कहता हूं कि एनसीबीटी को ही बंद कर दिए, आईटीआई इंस्टीट्यूट को ही बंद कर दिए, क्योंकि आईटीआई की इतना बुरी स्थिति है, हर जगह कंपनी में जाइए 12 घंटे काम कराते हैं, पैसे नहीं देते हैं, एक आईटीआई करने वाला तंगहाली में जिंदगी जीता है, एक रूम में 10-10 बच्चे रहते हैं, 5-5 बच्चे रहते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं उनको शोषण किया जाता है, सरकार भी अपना मानसा दिखा रही है कि ये भी शोषण करना चाहती है, आईटीआई करने के बाद एक उम्मीद जगता है कि हम कंपनियों में जाए, बड़े बड़े नौकरी करें, सरकारी कंपनियों में जाए, प्राइवेट कंपनियों में अच्छा पैसा कमाए, लेकिन न तो सरकार सपोर्ट करती है, न ये कंपनी वाले सपोर्ट करते हैं, सारे लोग आईटीआई को मतलब बर्बाद करना चाहते हैं, इनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद पीयूष गोयल उनका स्टेटमेंट सुनिएगा, वो बोल रहे हैं कि ये लोगों को नॉलेज नहीं था कि आईटीआई करना चाहिए रेलवे लेवल 1 पोस्ट के लिए। तो जब नॉलेज नहीं था तो 2018 में आपने ग्रुप डी में जो वैकेंसी निकालता उसमें आईटीआई का प्रावधान था, बाद में आपने हटाया था, उस समय ही आपने बोला था, पीयूष गोयल जी का ही स्टेटमेंट है कि ये केवल इसी वैकेंसी के लिए हटाया जा रहा है, अगले वैकेंसी अगर ग्रुप डी का आता है तो उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा। फिर किस आखिर क्या वजह रहा कि इसको आपने हटा दिया, फिर से 10 वालों को मौका दे रहे हैं, मतलब 10वीं करने वाले और आईटीआई करने वालों को सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं था, फिर आईटीआई क्यों की, क्यों आईटीआई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुलवा रहे हैं, क्यों डीजीटी मंत्रालय है, लेबर डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, श्रम संसाधन मंत्रालय को बंद कर दिया जाए अगर इस तरह के चीजें हो रही हैं तो, क्योंकि एक लड़का इतना मेहनत करने के बाद आईटीआई कर रहा है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। स्किल इंडिया गवर्नमेंट चला रही है कि स्किल इंडिया के तहत बच्चों को स्किल्ड किया जाए, स्किल्ड पर्सन बनाया, जिससे हमारा विकास हो, हमारा कंपनी का डेवलपमेंट हो, अच्छे से लोग काम करें, और फिर आपने अनस्किल्ड, जिसके पास कोई स्किल ही नहीं है, जिसके पास कोई प्राइवेट नॉलेज नहीं है, उसको आप मौका दे रहे हैं, किस आधार पर एक 10वीं पास करने वाले लड़का मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बारे में क्या जानता है, ABCD भी उसको नहीं पता है, जबकि एक आईटीआई करने वाला वो चीजों को प्रैक्टिकली करता है कॉलेज में, इसके बाद वो उसको सर्टिफिकेट दी जाती है। तो ये सरासर अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ
हमें उठना होगा। और जितने भी आईटीआई के युवा हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। और ट्विटर पे पीयूष गोयल जी का, जो कि माननीय रेल मंत्री है, उनके ट्विटर अकाउंट पर आप जाकर वहां पे आप कमेंट करें और बताएं उनको कि ये हमारे खिलाफ साजिश है और ये गलत किया जा रहा है और इसका भुगतान आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि आईटी वालों का संख्या कम नहीं है। प्रत्येक वर्ष पूरे इंडिया में 10 लाख लोग आईटीआई करके निकलते हैं। 10 लाख युवा जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, वो आईटीआई करके बाहर निकलते हैं। उनको आपने इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं जो मेहनत से एक सोच के साथ आईटीआई कर रहा था। मैट्रिक करने के बाद वो सोचा होगा, वो ट्वेल्थ नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं किया, वो आईटीआई की ओर गया। इसलिए आईटीआई किया कि वो चाहता है कि हमें एक जॉब मिले, हम पैसे कमाएं, हम एक अच्छा प्रतिष्ठा समाज में एक अच्छा योगदान दे समाज को आगे बढ़ाने में। फिर कैसे आप उसे इग्नोर कर रहे हैं? तो ये गलत है और हम चाहेंगे कि इस पे फिर से विचार किया जाए। ये जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है और अगर इस फैसले को लागू करते हैं तो ये आईटीआई करने वालों के साथ सरासर अन्याय है और उनके ये जीवन से खिलवाड़ है। आगे भी इस पर हम अपडेट देंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए जरूर और उन तक पहुँचा दीजिए जहाँ तक ये वीडियो हम पहुंचाना चाहते हैं। या आपके दिल में ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि इस पे और क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा हो गया। मैसेज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं। आपको देखिए, आपके कंपनी में आपको प्रताड़ित किया जाता है, वहां पर भी सैलरी नहीं दी जाती है। 10,000 रुपए देकर, 8,000 रुपए देकर 12-12 घंटा काम कराया जाता है। क्या डिपार्टमेंट को नहीं पता है? सबको पता है, लेबर डिपार्टमेंट को भी पता है, हमारे सरकार को भी पता है और हम लोगों को भी पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है क्योंकि आईटी का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्योंकि ये मिडिल फैमिली है ना, लोअर फैमिली है, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो चलिए आगे इस पे क्या करना होगा विचार कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही साथ ये एग्जाम 15 भाषाओं में होगा, कंप्यूटर ड्रिवन होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, पारदर्शी तरीके से। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सिग्नेचर आदमी कोई भी भाषा में कर सकते हैं, वो कोई अंग्रेजी या हिंदी में होना जरूरी नहीं, कोई दक्षिण भाषा में, किसमें भी, कन्नड़ में, तेलुगु में, किसमें भी साइन कर सकते। एक और विषय जो हमारे ध्यान आया था कि कुछ समय पहले ऐसा निर्णय लिया गया कि स्किल डेवलपमेंट आजकल बढ़ रहा है, आईटीआई सेंसिटिविटी बढ़ रही है, तो आगे से कुछ कैटेगरीज के लिए 10वीं के साथ आईटीआई और एनसीटीवीटी को भी जोड़ दिया जाए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए, जिससे थोड़ा बहुत लोगों को जानकारियां इन विषयों की रहे। और उसके बाद रेलवे तो ट्रेनिंग करती है, लेकिन ये निर्णय जनता तक पहुंचा नहीं था। और 4-5 दिन पहले जब इश्तिहार आया तब पहली बार लोगों को मालूम पड़ा। अब ऐसे काफी नौजवान थे, युवा युवती, जिनको ये जानकारी ना होने के कारण वो तैयारी कर रहे थे अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आईटीआई या एनसीटीवीटी का उन्होंने कोर्स नहीं किया था जानकारी ना होने के कारण। तो मुझे बड़ी जायज लगी ये बात, हमने बोर्ड मेंबर्स ने सबने डिस्कस किया आपस में, सेक्रेटरी स्टाफ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, बाकी सब अधिकारियों ने और मेरे साथ भी चर्चा की। और ये एक संवेदनशील सरकार है, ये सरकार ध्यान रखती है कि गरीब आदमी, नौजवान, युवा युवतियों के हित की हमको सबसे ज्यादा चिंता रहती है। और मुझे भी लगा कि अगर उनको पहले से जानकारी नहीं थी तो कैसे वो अपने आप को तैयार करते इन पोजीशंस के लिए। तो जो पहले सिस्टम था कि 10वीं कक्षा के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ये लेवल 1 की पोजीशंस के लिए, ग्रुप सी ग्रुप बी, वो हम पुनः स्थापित कर रहे हैं। इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा के लोग अप्लाई कर पाएंगे, हर एक कैटेगरी के लिए जो सी और डी में है उसके लिए एलिजिबल होंगे। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से उनका सिलेक्शन देश भर में होगा और उसके बाद रेलवे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम और दुरुस्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे, उसमें और मॉड्यूल्स डाल के जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिले, जिससे वो देश की और रेलवे की सेवा और अच्छे तरीके से कर सके। ये भी निर्णय अभी बोर्ड ने और हमने मिलके ले लिया है। तो बहुत सडनली लोगों तक जाने के बाद उनको समय ना मिलने के कारण संवेदना अपनी दिखाते हुए सरकार ने
निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा सब कैटेगरीज के लिए रहेगी। आगे का क्या निर्णय बोर्ड लेता है वो पहले से जनता को बता दिया जाएगा, जिससे आगे के लिए बच्चे अपनी तैयारी उस हिसाब से किस कैटेगरी में जाना चाहे उसके लिए आगे से कर सके, वो बाद में निर्णय अलग से लेके आप सबको बताया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, एज रिलैक्सेशन वो 3 साल की जो दी गई थी वो अभी कायम रहेगी। 10वीं कक्षा या ITI या NSC सर्टिफिकेट जो NCVT देता है, तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो, 10 और ITI और NCVT का NSC सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो एलिजिबल होगा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए और सब पोस्ट के लिए। ये प्रमुख इसके कारण जो समय सीमा है जिसमें लोगों ने अप्लाई करना है उसको कितने दिनों से पढ़ाएंगे उसको भी सूटेबली बढ़ा दी जाएगी। मुझे लगता है 1 हफ्ता पहले एडवर्टाइजमेंट हुआ है, 3 और 10 को, तो 2 हफ्ते के लिए लगभग हमें बढ़ानी पड़ेगी। 15 दिन का हम समय सीमा को, 15 दिन 18 दिन जो भी समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी वो जल्दी नोटिफाई करके उसका इश्तिहार भी दे देंगे और वेबसाइट पे भी डाल देंगे। तो जो एप्लीकेशन की डेट है उसको अकॉर्डिंगली उतने दिन 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं इस पूरे विषय में सरकार ने युवा युवतियों की, जनता जनार्दन की जो एक उम्मीद है कि उन सबको मौका मिले, सभी को पर्याप्त तैयारी का मौका मिले, सभी को एक ही लेवल पे एक ही फुटिंग पे मौका मिले रेलवे में भर्ती के लिए, ये स्थापित कर दिया गया है और इसकी सराहना मुझे लगता है युवा युवतियों में काफी रहेगी कि इस सरकार ने जो जनहित में है ऐसा निर्णय लेने में विलंब नहीं किया।